जय हिंद दोस्तों, आप सबके बीच में आया है मानव मस्तिष्क के साथ। ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क में जो बीमारियां सब होती है, ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर, मेनिनजाइटिस, बुखार वगैरह, जब ब्रेन में बंगड़ कोटिंग हो जाती है, बंगड़ जम जाता, ब्रेन में हेमरेज हो जाता, नस फट जाता, ये सब का सर्जरी डॉक्टर आखिर करते कैसे, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को वो कैसे चीरफाड़ करते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं सर। इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसे कि ब्रेन के अध्ययन को हमको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए, ब्रेन ना हमारा मस्तिष्क ना न्यूरॉन का बना, और जो व्यक्ति न्यूरॉन का ज्यादा ज्ञान लेते हैं, यानी कि न्यूरॉन के बारे में ज्यादा रिसर्चर होते हैं, जो न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ब्रेन से संबंधित अगर कोई भी बीमारियां होती है तो हम लोग को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये ब्रेन ना मानव मस्तिष्क का ना बहुत कठोर संरचना होता है, बहुत जटिल प्रोसेस होता है। जैसे आपको फिगर में देख रहे हैं, देखने के बाद नहीं लगता कि प्रोसेस कितना खतरनाक होगा, ये ब्रेन कैसे बना होगा, इतना मतलब कठोर संरचना को ब्रेन का सर्जरी कैसे करते हैं। तो ये ब्रेन सर्जरी, ब्रेन का वर्कआउट क्या सर, स्मृति यानी कि मेमोरी कार्ड है। ब्रेन जो है ना हमारा सर मेमोरी कार्ड है, बुद्धिमान, आपकी जो बुद्धि छिपी होती है इसी मेमोरी कार्ड में होता है। चिंतन, इच्छा शक्ति, प्रेम, ठंडा, गर्मी, दुख, दर्द, प्रेम, घृणा, जो भी आप करते हैं ना सारा, सब आपका शरीर का जो एमसीबी बॉक्स है ना, वो ब्रेन है। आप किसी को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हम लोग जो भी दिमाग में सारा ये एमसीबी बॉक्स है, सिंपल समझिए सबका कनेक्शन इससे जुटा हुआ है, सबका जो नस है ना ब्रेन से जुटा हुआ है। तो हम ब्रेन को समझ के, ब्रेन में एक जांच होता है ईईजी। देखिए, कभी भी बोला जाता है ना ईसीजी, कन्फ्यूज यहाँ पे लड़का को क्या करता समझिए, एगो ईसी जांच होता है, एगो डबल ईजी होता है। जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो जांच होता है ना हार्ट में होता है, जबकि ब्रेन में होता है डबल ईजी, यानी कि इलेक्ट्रोएनोफेगोग्राम होता है। तो ये जांच होता है। अब देखिए समझिए, वो ब्रेन रखा कहाँ जाता है, ब्रेन कहाँ पे है। तो हम लोग को जो शरीर के में ब्रेन जो ऊपरी भाग में जो दिख रहा है, ये तो ब्रेन है, इसी को मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क का सबसे जो ऊपरी भाग है ये हेयर है। हेयर कहने का मतलब ये केस यानी हेयर है। हेयर के बाद आता है स्किन। स्किन कहने का मतलब है त्वचा आता है। स्किन कहने के बाद क्या आता है, त्वचा, यानी हेयर के बाद स्किन। स्किन के बाद आता है कपांग यानी अस्कंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अस्कंग, यानी कि हिंदी में कपांग बोलते हैं, आप खोपड़ी भी बोल सकती है। ये खोपड़ी जो बना होता है क्रेमियम नाम की हड्डी का बना होता है, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। और कपांग यानी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है मेनिजस झिंगी। कौन सा झिंगी सर, मेनिजस झिंगी। और इसी झिंगी में क्या होता है, सूजन आ जाता है। मेनिजस झिंगी में जब सूजन आ जाता है ना सर, तो मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिनजाइटिस कहने का मतलब है काला ज्वार, बुखार होता है। तो मेनिजस झिंगी में जब सूजन आएगा तो कौन सा रोग होगा, मेनिनजाइटिस रोग। और ये मेनिजस झिंगी जानते हैं 3 लेयर में बटा होता है, यानी कि 3 परत में होता है। फर्स्ट परत का नाम है ड्यूरामेटर, और दूसरा परत का नाम है एरेक्टेमीटर, और एक पियामेटर। अगर किसी का ब्रेन खोंगा जाए, अगर सचमुच में अगर ब्रेन को खोंगा जाता है ना, तो जो पहली मुलाकात होती है ना ब्रेन में, वो ड्यूरामेटर से होता है। तो देखिए कैसे सर्जरी करता है। हम लोग ने सीखा कि पहले हेयर, स्किन, कपांग, उसके बाद मेनिनजस झिंगी। अब मेनिनजस झिंगी में पहली मुलाकात होगी किस लेयर से, ड्यूरामेटर से। डॉक्टर ब्रेन का सर्जरी कैसे करता है, इसके बारे में सोचते। देखिए डॉक्टर क्या करता, सबसे पहले ये हेयर को क्या करता, रिमूव कर देता। जिस पार्ट में सर्जरी करना होगा, जहां से कहीं भी कोई पार्ट में सर्जरी करना है ब्रेन में, तो यहां से क्या करता है, हेयर को रिमूव यानी कि हटा देता। उसके बाद स्किन को थोड़ा सा रिमूव कर देता। स्किन को जैसे रिमूव करता वहां पे आता कपांग, और खोपड़ी जानते हैं बहुत ही कठोर होता, उसको कठोर खोपड़ी को क्या करता है, ड्रिलिंग मशीन के तरह जैसे होता उनका औजार होता सर, ड्रिलिंग मशीन से 4 जगह छेद किया जाता है। जैसे कि देखिए कर रहा है वीडियो में, देखिए कर रहा है, जैसे 4 छेद होता है। छेद करने के बाद जो ऊपर का परत होता है, लेयर होता है ड्यूरामेटर, उसको हटा देता। और ड्यूरामेटर के बाद जो दूसरी परत आती है अरेक्नाइड मेटर, उसको भी हटा दिया जाता। और तीसरा मेटर जो आता है पियामेटर आता। पियामेटर का वर्कआउट है ऑक्सीजन को पहुंचाना सर, ऑक्सीजन पहुंचाता। पियामेटर का काम क्या, ऑक्सीजन को पहुंचाना। हमको ब्रेन को तो पिज्जा बर्गर खाना नहीं है सर, पिज्जा बर्गर की जरूरत नहीं, इसे तो ऑक्सीजन चाहिए। जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तो हमारा तरह तरह का बीमारी हो जाती है सर। तो ऑक्सीजन पेन, सर में पेन होने लगता, दर्द होने लगता। तो पियामेटर को जब हटाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन, यानी उसी ब्रेन में जहां बंगड़ कोटिंग हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, ये सब जो भी अल्जाइमर वगैरह जो भी बीमारियां होती है, उसकी सर्जरी करके फिर डॉक्टर क्या करता है, इस 3 को जो लेयर होता है, ड्यूरामेटर, एक्टिनाइट मीटर, पैरामीटर को क्या करता, फिर ब्रेन को रिपेयरिंग कर देता। रिपेयरिंग करने के बाद यहां पे क्या करता, बैंडेज पट्टी वगैरह लगा के सही कर देता। इसके बाद ब्रेन सर्जरी हो जाती है। तो आपने देखा किस तरह से ब्रेन सर्जरी हो गई सर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।